साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। क्लास फोर साइंस चैप्टर 1.2 वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले का पार्ट टू चल रहा था, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को। हम लोग को पार्ट टू भी पढ़ना है। हाउ दे लर्न देयर स्किल, यानी लोग अपना काम कैसे सीखते हैं। एनी वर्क डन इज टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन उसको कहते हैं जिसमें कुछ पैसे कमाए जाए। ऑल द हाउस होल्ड थिंग हैव नॉट बीन मेड इन आवर होम। घर में जो काम होता है, कपड़े खींचने, नहाने धोने, ये सब वाला जो काम होता है, ये ऑक्यूपेशन नहीं होता है। इट इज मेड बाय द पर्सन हु आर अवेयर ऑफ मेकिंग स्किल। ये लोगों के चेतना द्वारा सीखा गया काम होता है। और डूइंग द जॉब परफेक्टली, ये लोग अपने काम में दक्ष होते हैं। द पीपल लर्न देयर स्किल आइदर फ्रॉम पेरेंट्स, ये लोग अपने माता पिता, फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, अगर हम चारों तरफ देखेंगे, सेवरल पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब और ऑक्यूपेशन, अलग अलग तरह के व्यवसाय और काम करते मिलेंगे। ऑल डे लॉन्ग यू एंजॉय डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम, अलग अलग भोजन हम लोग करते हैं। द फूड, ये फूड कहाँ से आते हैं? क्रॉप फील्ड बाय फार्मर। फार्मिंग इज एन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग भी एक ऑक्यूपेशन होता है। फार्मर नो सीजन एंड क्रॉप्स, फार्मर सीजन क्रॉप्स के बारे में जानता है और क्या जानता है, सोइंग हार्वेस्टिंग, सीजन क्रॉप्स के बारे में, सोइंग हार्वेस्टिंग के बारे में, स्टोरेज के बारे में, सेलिंग टू ग्रॉसर यानी ग्रॉसर तक को बेचने तक का सारा काम जानता है। ग्रॉसरी इज एन ऑक्यूपेशन, ग्रॉसरी भी एक व्यवसाय है। द ग्रॉसर नो अबाउट द डे टू डे प्राइसेस ऑफ थिंग्स, चीज़ों के दाम वो जानता है। द चेंज, जैसे जैसे बदलते हैं। ही कीप्स ऑल क्रियर्स पर्सेस रेडी फूड आइटम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्लेस वेयर द शॉप्स एज सिचुएटेड, जहाँ पे अपना शॉप रखता है वहाँ के हिसाब से यह सामान अपना रखता है। इसके पास होते हैं बैलेंस, वेट लॉ, पेपर पैकेट्स और बैग्स होते हैं जिसमें यह सारे सामान को बेचता है। इस प्रकार से ग्रोसरी का काम करता है। कल से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पॉटर के बारे में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।